सर मेरा जो इंस्पिरेशन था और अभी भी है वो है ब्रूस ली जी. जहाँ तक मुझे याद है मैं उनकी मतलब जब से मैं 4 साल का था तब से उनकी बड़ा फ़ैन हूँ मैं. मुझे याद है मैं उनकी पिक्चर देख के मैंने शुरुआत की थी मार्शल आर्ट्स और जिमनास्टिक्स और तब मैं 4 साल का था सर. तो हाँ तब शुरू हुई थी कहानी. बॉलीवुड में आप किसको मानते हैं? अक्षय कुमार सर थे, एक विद्युत जमाल सर भी है, ऋतिक रोशन जी भी है. तो हाँ मतलब कोशिश की है सर एक अलग किस्म की एक्शन दिखाने. मेरी जो स्टाइल है वो काफ़ी अलग है दूसरों से और हाँ कुछ नया दिखाने की कोशिश की है हमने. आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाई माई फादर सर. माई फादर इज़ द ट्रू माचो मैन इन द इंडस्ट्री. और उनकी नाम होनी चाहिए था टाइगर. एक्चुअली माय नेम इज बिल्ली, ही इज अ टाइगर. टाइगर कितना मानते हैं? पहले बॉलीवुड में डायलॉग्स होते थे उनके बदौलत फिल्म चल जाती थी, एक अच्छा हीरो होता था बदौलत फिल्म चल जाती, लेकिन आजकल स्टंट को काफी जोर दिया जा रहा है, बॉडी पे काफी जोर दिया जा रहा है. नहीं बात क्या है सर, आजकल जमाना अलग है सर. दोज डेज देशों में एक वेरी डिफरेंट सिनेमा. आजकल ज्यादा बॉडी पे ध्यान देते लोग, ज्यादा एस्थेटिक्स पे ध्यान देते, फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान देते. कुल मिला के मेरे हिसाब से सर 3-4 ही एक्टर है हु हैज़ द परफेक्ट बैलेंस. जैसे ऋतिक रोशन जी है एक जो जिनके पास एक्टिंग है, टैलेंट है, जैसे डांस, उनकी बॉडी बेहतरीन है. मतलब आई थिंक ही इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन सर एज एन एक्टर.